सर्दियों में गर्मा गर्म स्टफ्ड बथुए के परांठे मिल जाए तो कहने क्या है। और खासकर मेरी फैमिली को स्टफ्ड बथुए के परांठे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने बथुए की पत्तियों को निकाल लिया है। अब मैं इनको 3 से 4 बार अच्छे तरीके से वॉश कर लूँगी और वॉश करके इनको बॉयल करके हम एक मिक्सी की जार में पेस्ट तैयार कर लेंगे। बथुआ के स्टफ्ड पराठे बनाने के लिए मैं 2 कप गेहूं का आटा ले रही हूँ और मैंने जो बथुआ का पेस्ट बना लिया था वो इसमें आटे में डाल देती हूँ और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके हम आटे को गूंद लेंगे और एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। आटा गूंद करके तैयार है। चलिए हम इसको कम से कम 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं, जिससे हमारा जो आटे का डो है वो अच्छी तरीके से रेस्ट हो जाए। बथुए के स्टफिंग पराठे के लिए मैंने वाइल्ड मैश पोटैटो लिए हुए हैं। चलिए अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। फ्रेश कटी हुई हरी मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर और मिक्सचर का टेस्ट बढ़ाने के लिए हम डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे और साथ में डालेंगे हम फ्रेश कटी हुई हरी धनिया। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलिए चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखिए हमारा आटा है वो बहुत अच्छे तरीके से सेट हो गया है। हम आटे से थोड़ा सा पोर्शन ले लेते हैं पराठे बनाने के लिए। चलिए अब हम इसको गर्म तवे पे डाल देते हैं। चलिए अब हम पराठे में देसी घी लगा देते हैं दोनों साइड से। इस प्रकार हमारे गर्मा गर्म यम यम बथुआ के स्टफ्ड पराठे बनकर के तैयार हैं। आप बटर, दही और गोभी, गाजर, मूली, मिर्च के अचार के साथ एंजॉय कीजिए। थैंक यू। हैप्पी कुकिंग।